अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? खैरियत है? आज हमारा लोकल ई कॉमर्स फ्री वर्कशॉप का तीसरा दिन है। आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है इंशाल्लाह। आज हमारी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हंटिंग भी हो रही है, कुछ मजीद चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा लिंक शेयर करूं तो इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर किसी ने लास्ट दो तीन लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। मुझे कमेंट्स चाहिए, बताएं आप लोग के कैसा जो है वो आप लोगों को फील हो रहा है। आज जी हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट है, हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लोकल ई कॉमर्स की दुनिया में जाना पहचाना नाम मोहम्मद फैजान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी हमें कुछ टिप्स देंगे इंशाल्लाह, और उनसे भी हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर ले। अच्छा बताइए जी, पिछले 2 दिनों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरे साथ शेयर करें। जी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको पता चला कि ई कॉमर्स कैसे होता है, आपको ये भी पता चला कि ये कितना आसान काम है जिसको हम अभी तक बहुत मुश्किल समझ रहे थे, तो ये कितना आसान काम है। अब नेक्स्ट, अभी आपको जो इस
चीज की सबसे जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी कैसी हो, कैसा प्रोडक्ट हो, क्राइटेरिया तो कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अभी उस क्राइटेरिया को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। कुछ हम टूल्स के थ्रू भी जाएंगे, टूल्स में भी चीजें डिस्कवर करेंगे। कुछ हम जाएंगे फिर टिकटॉक एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी की तरफ भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज का दिन एक्साइटेड होने वाला है। आवाज नहीं आ रही, आवाज बाकियों को भी नहीं आ रही कि सिर्फ एक बंदे को नहीं आ रही? कंफर्म करें आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है भाई जान, आपकी आवाज में कोई इशू है? अच्छा जी, जितने तक हमें फैजान भाई ज्वाइन कर रहे, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चंस कमेंट में बताएं, मैं ट्राई करूंगा, जितने भी नजर से गुजरेंगे मैं आंसर कर दूंगा। आज बहुत बड़ा लॉस हुआ टिकटॉक से। क्या लॉस हुआ? जी, प्रोडक्ट हंटिंग डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। टिकटॉक स्ट्रेटेजी बताएंगे जी। टिकटॉक सस्पेंशन पे भी आज मैं आपको बताऊंगा। यार दुबई मार्केट पे एक अलग वर्कशॉप करवा लेंगे इंशाल्लाह। वो ये है कि पाकिस्तान में जिन लोगों का काम चल गया तो वो दुबई में फिर काम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी नहीं अवेलेबल होगी, ये लाइव है खाली। आपके पास अगर टाइम है तो लाइव देख ले। आज हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जी, प्रोडक्ट हंटिंग प्रैक्टिकली करेंगे। शॉपिफाई का थोड़ा ओवरव्यू। ये शॉपिफाई का नहीं है वर्कशॉप, ये वर्कशॉप असल में ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में फिर शॉपिफाई एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हम कवर करते हैं, राइट? नहीं तो शॉपिफाई अच्छा है। मेरे टूल की जब लॉन्चिंग होगी तो फिर वो अल्टरनेटिव होगा, वो कास्ट उसकी थोड़ी अच्छी होगी तो उसको आप देख ले, अगर यूज कर सकते हैं। ये 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है तो इसको हम लेके चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, लेक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए पेड कोर्स में थोड़ी डिटेल में चीजें होती है, जाहिर है उस पर टाइम होता है। यहाँ पे वो डेली 1-2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास। यहाँ पे क्योंकि 3-4 दिन है तो 3-4 दिन में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर लेते हैं। बाकी ये फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ है यूट्यूब से, आप वहां से भी मजीद चीजें देख सकते हैं।
डोमेन कैसे सेलेक्ट करें? डोमेन तो बड़ा सिंपल है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सेल्फ अंडरस्टूड सी होती है, वो आपको समझ आ जानी चाहिए खुद ही। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि वो कॉमन चीजें तो यूट्यूब पे हर कोई सर्च कर सकता है। टेक्निकलिटीज में चाहे अच्छे अच्छे टेक्निकली क्वेश्चंस करें। अच्छा, पिछले क्लास का थोड़ा सा प्रीव्यू दे दे। अब ये कमेंट अच्छा है, पिछले क्लास में हमारी जो एक केस स्टडी डिस्कस हुई थी इस्माइल भाई के साथ, उनकी पूरे जो उसका सेटअप था, तकरीबन उनको महीना हो चुका था वो सेटअप स्टार्ट किए हुए, तो वो हमने केस स्टडी उसकी की है। उनका तकरीबन कोई 600 ऑर्डर शिप हो गया था, जिसमें से 350 के राउंड अबाउट डिलीवर हो चुका था, 150 पेंडिंग था, कुछ 200+ या 300+ समझ नहीं आ रही कितना था, वो उनका रिटर्न भी था। तो जब उनका रिटर्न वगैरह सारी चीजों का हमने कैलकुलेशन की, तो उनको तकरीबन 1,000 रुपया पर डिलीवर्ड ऑर्डर प्रॉफिट हो रहा था, जो कि जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास तकरीबन 3 लाख का प्रॉफिट आ चुका था। तो ये केस स्टडी हमने की। उसके बाद हमने प्रोडक्ट डिस्कस की कि कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो उस प्रोडक्ट के लिए हमने फिर कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस किए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, आपका कोई ना कोई मसला वो हल करे। दूसरी चीज जो हमने उसमें कवर की है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ उसमें लोकल अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब लोकल मार्केट से वो प्रोडक्ट अगर अवेलेबल ना हो तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोकल मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो कस्टमर बाय नहीं करता, वो मार्केट से ही ले लेते हैं फिजिकली जाके। तो ये हमने कवर किए। तीसरी चीज़ जो हमने कवर की है वो ये कवर की है कि वो प्रोडक्ट जो है वो वेट के हिसाब से 1 kg से नीचे नीचे होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो आपने प्रोडक्ट चलानी हो तो मैक्सिमम फिर 2 kg से होनी चाहिए, 2 kg से ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने चीज डिस्कस की वो ये कि डायमेंशन वाइज वो अच्छी चीज होनी चाहिए, जिसकी डायमेंशन मतलब कि इतनी बड़ी ना हो कि वो 1 किलो 2 किलो से ऊपर चली जाए। अब डायमेंशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला ये है कि हाइट मल्टीप्लाई बाई विथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये तीनों चीजों को सेंटीमीटर में नाप के आप जब मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 5,000 करते हैं, तो आपके पास फार्मूले के हिसाब से चीज आ जाती है कि आपका जो पार्सल है, आपका जो बॉक्स है, वो कितना केजी है। तो ये उसका फार्मूला है। इसके अलावा जो हमने एक और चीज डिस्कस की वो ये थी कि अगर उस प्रोडक्ट में वाव फैक्टर हो, वाव का एलिमेंट हो, तो वो चीज थोड़ी अच्छी चलेगी और इंशाल्लाह वो अच्छा लॉन्ग टर्म परफॉर्म करेगी। अब वाव एलिमेंट क्या है, वाव फैक्टर क्या है? वाव फैक्टर ये है कि वो चीज जब आप देखें तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकले कि वाव बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वाव जबरदस्त हो गया वगैरह वगैरह। इस तरह के सेंटेंस जब आपके मुंह से निकलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट वाव होता है। डायमेंशन मैंने आपको बताया, देखिए जब कोरियर पे आप पार्सल भेजते हैं ना, तो 2 किस्म की चीजें काउंट होती है। या तो उस पार्सल का वजन होता है कि वजन उसका कितना है, अगर वजन उसका है 2 किलो और डायमेंशन उसकी कम है, तो मतलब ये कि वो पार्सल फिर उतना ही होता है जितना उसका वेट होता है। लेकिन कुछ पार्सल्स ऐसे होते हैं जो डायमेंशन वाइज खुले होते हैं और वेट उनका थोड़ा सा होता है, 500 ग्राम वेट होता है और इतना बड़ा कार्टन होता है। तो उस सिनेरियो में आपकी जो आपका जो पार्सल होता है वो डायमेंशन वाइज काउंट होता है, उसमें आपको डायमेंशन वाइज कोरियर को पेमेंट देनी होती है। तो डायमेंशन का फार्मूला यही है जो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में, और फिर उसको आप जाके 5,000 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब 5,000 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका वो फार्मूला वहां पे फिट आ जाता है, आपका केजी के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कितना केजी है ये पार्सल मेरा।
तो इन दोनों में से जिस हिसाब से भी आपका पार्सल ज्यादा बन रहा था, ज्यादा वजन आ रहा था, उस हिसाब से आपको ये चीज जो है वो चार्ज कर दी जाएगी, आपको उसी हिसाब से चार्जेस पड़ेंगे। अगर डायमेंशन वाइज उसका वजन ज्यादा हुआ तो डायमेंशन वाइज आपको चार्जेस पड़ेंगे, अगर डायमेंशन वाइज ना हुआ, वेट वाइज हुआ, तो वेट वाइज आपको चार्जेस पड़ेंगे। तो ये कल के लेक्चर का खुलासा था, परसों के लेक्चर का, जिसमें हमने ये चीजें क्लियर की। आज हम प्रोडक्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो प्रोडक्ट को कवर करने के लिए हमारे साथ फिजान भाई भी होंगे, फिजान भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर तक। कुछ चीजें वो क्लियर कर देंगे, कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। टिकटॉक में अगर आप रिटारगेटिंग करेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, टिकटॉक में आप ब्रॉड पे ऑडियंस रहने दें और डायरेक्ट चलाएं। नहीं, मैं अमेजोन पे नहीं सेल करता, मैं अपनी वेबसाइट्स पे काम करता हूँ। कितने मार्जिन वाला प्रोडक्ट? मार्जिन के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन वाइज आप ट्राई करें कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसी चूज करें जिसमें 1500 का मार्जिन आपका लगता हो, कि हर किसी का मुख्तलिफ फार्मूला होता है, कोई किस फार्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करता है, कोई किसके हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा आसान सा फार्मूला है सारे स्टूडेंट्स के लिए, मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से बचता हूँ, और आसान फार्मूला ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करें कि जिसकी सोर्सिंग प्राइस के साथ अगर आप 1500 रुपया ऐड करेंगे तो आपको उसमें से चीजें बचेंगी, ठीक है? उसका मैं आपको आज ट्राई करूंगा कि शीट भी कवर कर दूं, जिस एक्सेल शीट के थ्रू हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, मैं वो एक्सेल शीट भी इंशाल्लाह आपके साथ कवर करूंगा, ठीक है? जी, चादर डॉट पी के में मेरी सुपरविजन शामिल थी। क्रिएटिव्स के बारे में बता दे, क्रिएटिव्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन क्रिएटिव्स के तो कल मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिए आपको, क्रिएटिव्स उस हिसाब से होने चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट सेकंड टाइम जो है वो काम करे, ई कॉमर्स करे, बहुत अच्छा फायदा होगा, सैलरी से अच्छा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चले मैं आपको ना एक्सेल शीट कर देता हूं क्लियर, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को ये चीजें भी क्लियर हो। अच्छा, ये हमारे पास शीट है, इस शीट के जरिए हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, इस शीट से ही हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट में है कि हम लॉस में है, और इस शीट से ही हमारी सारी फाइनेंसिंग वगैरह कंट्रोल होती है, ठीक है? ये मैं थोड़ा जूम करूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कल मैंने जो आपको चीज क्लियर की थी, चादर डॉट पी के का जो केस स्टडी मैंने आपको दिया था, उस केस स्टडी के हिसाब से मैं चले ट्राई करूंगा कि इसको उस हिसाब से आपको समझा दूं, लेकिन अगर वो ना भी हुआ तो यहाँ पे मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये शीट होती है, और ये शीट आपको ऑनलाइन भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। yasirsharar.com पे ये शीट आपको मिल जाएगी, आप वहां से इस शीट पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस शीट में हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो ये हमारे पास करेंसी की प्राइस है करंट, कि हमारे पास, क्योंकि हम ये वीडियो स्टक है कि सिर्फ एक बंदे का इशू है, कंफर्म करें फिर मैं आगे करूं।
वीडियो ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? वर्किंग वर्किंग ठीक है, वीडियो ठीक है। देखिए भाई, ये जो प्रोडक्ट की यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट्स ऑफ करके इस शीट पे अगर आप फोकस करें, लोकल ई कॉमर्स की सबसे डिटेल शीट है। इसमें पूरा ई कॉमर्स आपको यहाँ पे ऐसे समझ ले कि घर में आपका पड़ा हुआ है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे होती है करेंसी प्राइस। ठीक है, करेंसी प्राइस हमारे पास क्या होती है, हम डॉलर में एड चलाते हैं, तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर 300 में डॉलर पड़े तो यहाँ पे 300 करना है, अगर 280 में डॉलर पड़े, 285 जितने में भी पड़े वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास करेंसी प्राइस आ गई। ठीक है, इस प्राइस में आप जाके वो करते हैं, डॉलर खरीदते हैं या पायोनियर से डलवाते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज है वो है हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रोडक्ट प्राइस में हमारे पास क्या है, इसमें आपको वो प्रोडक्ट होलसेल मार्केट में कितने की मिल रही है वो प्राइस आपने यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोडक्ट 900 की मिल रही है, ठीक है, 900 मैंने लगा दिया है। अब तीसरी चीज आपकी ये वाली है कि वो प्रोडक्ट आपको एड कॉस्ट कितने का पड़ता है, जब आप उसके टिकटॉक फेसबुक पे एड लगाते हैं तो एक ऑर्डर आपको कितने डॉलर में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल 0.85 में हमें एक ऑर्डर आता है। ठीक हो गया, तो 0.85 का मतलब हुआ कि 242 PKR में हमें वो ऑर्डर आ गया। उसके बाद हमारे पास शिपिंग चार्जेस है कि एक ऑर्डर को जब आप शिप करते हैं तो कितने पैसे आपके लगते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये हमारे शिपिंग चार्जेस लगते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन कितना रखते हैं। एक प्रोडक्ट आपको 900 की पड़ रही है और आप उसके ऊपर मार्जिन कितना रख रहे हैं, तो मार्जिन में यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है वो 1499, मतलब 1500 रुपये में लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो आपको, 1500 का वो मार्जिन ऐड करके मैं वो चीज सेल करता हूँ। ठीक है, 900 की खरीदता हूँ, 1500 की सेल करता हूँ, ठीक है, सॉरी 2400 की सेल करता हूँ। ये जो 1500 रुपया मैंने इसके ऊपर मार्जिन रखा है, इस 1500 रुपये में मेरे 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस के है और ये एक चीज मेरी, ये एड कॉस्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एड कॉस्ट 300 कर दूं ताकि बिल्कुल राउंड फिगर हो, ताकि आपको समझ आ जाए, और ये $1 कर दूं तो मतलब 300 रुपया एड कॉस्ट और 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस, ये तो पक्का पक्का खर्चा हमारा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है जहां पे हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है वो है पर डे ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करें कि आपको रोजाना 30 ऑर्डर्स आते हैं, 40 ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, अगर 40 ऑर्डर्स आपको आते हैं तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे $40 एडवर्टाइजमेंट पे सर्व करते हो तो आपको 40 ऑर्डर आता है। अगर ये इसको मैं चले वापस अपनी उस पे ले जाता हूँ 0.85, ठीक है, 40 ऑर्डर्स हमें डेली आ रहे हैं। अच्छा, अब इन 40 ऑर्डर्स जो हमारे पास आते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स ये नहीं है कि बस निकल गए और खत्म, बात हो गई। अब जब 40 ऑर्डर्स आते हैं तो मीन वाइल पे हमें कुछ ऑर्डर्स कॉल पे ही कैंसिल हो जाते हैं, और कुछ ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल होने के बाद, कैंसिल नहीं होते, कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन कंफर्म होने के बाद शिप हो जाते हैं, और शिप होने के बाद वापस वो हमारे पास रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ हम एक चीज नोट करेंगे कि हमारे पास लोकल मार्केट में 25-35% कैंसलेशन होती है, अगर हमारा एड कॉस्ट जो मैंने आपको बताया 0.85 85 सेंट्स है, तो उसमें से हमारे पास 20%, आप इमेजिन करें कि 20% कैंसलेशन हमारी होती ही होती है, वो 30 भी हो सकती है, वो 35 भी, वो 40 भी हो सकती है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, आपकी कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है। अब टिकटॉक पे आपकी कैंपेन किस इलाके को हिट करती है,
वो भी मैटर करता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बीच में इन्वॉल्व होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 ऑर्डर्स आए और 30% जो है वो आपके कैंसिल हो जाए, तो आपके 28 ऑर्डर्स रह जाते हैं जो कि कंफर्म हो जाते हैं जिसको आप शिप करते हो। तो 28 में से ये जो 12 ऑर्डर्स है ये निकल गए, ये मतलब ये आपके किसी खाते में नहीं आए, ये निकल गए, इसको आपने वेबसाइट से कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब ये 28 ऑर्डर्स बच गए, ये 28 ऑर्डर्स अब आपने शिप करने हैं, कोरियर को देने हैं। फिर इन 28 में से अगेन आपको कुछ रिटर्न्स आएगी, कुछ लोग कहेंगे मैंने ले लिए, कुछ कहेंगे आपकी डिलीवरी लेट थी तो मैंने नहीं लेना, कुछ कहेंगे भाई हमें आपकी कॉल नहीं आई, कुछ कोरियर की वजह से मसला होगा, कुछ का एड्रेस ठीक नहीं होगा, तो इसमें से भी अगेन आपको रिटर्न्स आएगी जो कि अगेन 20, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम 30% रिटर्न कर देते हैं कि 28 ऑर्डर्स हमारे पास गए, उसमें से 9 ऑर्डर्स वापस आए और 19 ऑर्डर्स हमारे पास डिलीवर्ड हुए। अब देखें सिनारियों को समझे, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, पार्सल डिलीवर नहीं होते, पार्सल ये होता है, ये इसको आप जस्ट इमेजिन करें ना, हमारे पास 40 ऑर्डर्स आए थे और 40 ऑर्डर्स में से बचते बचाते कैंसल और कंफर्मेशन करते करते 19 ऑर्डर सिर्फ डिलीवर्ड हो रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 45% है। जो हमारे पास 40 ऑर्डर्स आए थे उसके ऑलमोस्ट 45% ऑर्डर्स हमारे डिलीवर्ड हो रहे हैं, 55% ऑर्डर्स जो है वो खाते से ही गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन ऑर्डर्स का हमें कुछ भी नहीं मिलना। ये सीओडी मार्केट है, इस सीओडी मार्केट में इस चीज को आपने फेस करना ही करना है। अनटिल एंड अनलेस आप एक मैच्योर और एस्टेब्लिश ब्रांड हो तब जाके ये रेशो कम होता है, अदरवाइज आप अगर नया काम करेंगे तो इन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन द गुड न्यूज इज के आपके 40 ऑर्डर्स आए, 40 में से सिर्फ 19 डिलीवर्ड है, 19 डिलीवर्ड होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल है। कैसे प्रॉफिटेबल है, अब आते हैं यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। फाइनल कैलकुलेशन हमारे पास ये है कि जो 19 ऑर्डर्स हमारे डिलीवर्ड हुए 2400 के हिसाब से, उन 19 ऑर्डर्स की पेमेंट हमारे पास बन गई है 45,600, ठीक हो गया, 45,600 हमारे पास डिलीवर्ड ऑर्डर की पेमेंट बन गई है, और इसमें जो हमारे शिपिंग चार्जेस पड़े वो हमें पड़े 28 ऑर्डर्स के शिपिंग चार्जेस पड़े। डिलीवर्ड तो हमारे 19 हुए लेकिन 28 हमने शिप कर दी है, तो जो हमने शिप की जाहिर है उसमें से जो डिलीवर्ड ना भी होंगे तो उनकी भी हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, तो 5,600 रुपया हमारे डिलीवरी कॉस्ट इसमें से लगा, तो हमारे पास 40,000 रुपया बच गया। अब 40,000 में से 19 ऑर्डर्स हमारे पास डिलीवर्ड हुए, तो उन 1900 को हमने जितने रुपये में परचेज किया था, जितनी हमारी उसकी सोर्सिंग प्राइस थी, जितने में हमने मार्केट में होलसेल में उठाया था, तो वो 19 पार्सल्स की पेमेंट बनती है हमारे पास 17,100। तो 40,000 रुपया बच गया, 40,000 में से 17,100 रुपया हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 22,900 रुपया। अब ये 22,900 रुपया साफ सुथरी पेमेंट हमारे पास आ गई है, लेकिन अगेन इसमें एक और खर्चा भी है, वो खर्चा ये है कि मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ 40 ऑर्डर्स। मैंने आपको बताया था कि 40 ऑर्डर्स है और एक ऑर्डर हमें 0.85 में पड़ा है, तो ये अगर डॉलर और करेंसी को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10,200 रुपया हमारे पास ऐसा है जो हमारे एड कॉस्ट में लगा है, जिसको हमें टिकटॉक फेसबुक व्हाटएवर प्लेटफॉर्म को दिए इन ऑर्डर्स को जनरेट करने के लिए। तो 45,000 था, 5,600 डिलीवरी चार्जेस कटा, 17,100 हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कटी और 10,200 हमारी एड कॉस्ट कटी। ये तीन कॉस्ट है हमारे पास, बस ये तीन कॉस्ट को हम अगर खत्म कर दे, इसमें से माइनस कर दे, तो टोटल पेमेंट जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो 12,700 रुपया आता है। ये जो 28 ऑर्डर्स है इसमें हमारे पास रिटर्न शिपमेंट की पेमेंट भी शामिल है,
जो हमारे पास पार्सल रिटर्न होके आते हैं तो वो भी शामिल है। तो टोटल ये 12,700 का प्रॉफिट हुआ अगर आप 40 ऑर्डर्स पर डे डिलीवर करते हैं और उन 40 ऑर्डर्स में से सिर्फ 19 ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं। अब अगेन यहाँ पे आए, अगर आप अच्छी सर्विसेज रखते हैं, आप अपनी कंफर्मेशन को 20 कर लेते हैं और रिटर्न को भी 20 कर लेते हैं, तो जहां पे आपको 19,000 की पेमेंट मिलनी थी, सॉरी 11,000 की, 12,000 की प्रॉफिट मिलना था पर डे, वो प्रॉफिट आपका 20,000 पे चला गया। क्यों चला गया? यहाँ पे कैंसलेशन और कंफर्म रिटर्न्स जो है वो आपने मैनेज की, उस पर मेहनत की, वो आपने बराबर कर दी है, तो जाके 20,900 का हुआ आपको प्रॉफिट। ठीक है, सेम इसी तरह अगर ये आपसे ऊपर चली जाती है, इसको मैं 40-40 कर देता हूं, तो ये आपका जो प्रॉफिट था वो अगेन आधा हुआ, 12,000 की जगह 6,000 हुआ। आप इमेजिन करें कि 40 ऑर्डर्स आपको आए, 40 में से सिर्फ 14 डिलीवर्ड हुए, तो 14 के बाद भी आप प्रॉफिटेबल है, अच्छे भले प्रॉफिटेबल है। अब आप इमेजिन करें 6,000 रुपया आपको पर डे का प्रॉफिट हो रहा है, आप डेली कितने ऑर्डर्स, 40 ऑर्डर्स जनरेट कर लेते हैं। आप अगर मंथली इसको 40 को करें तो ये तो खैर 1200 बनते हैं, लेकिन 1200 भी आप ना करें। आप अगर 30 ऑर्डर्स डेली करते हैं और 900 ऑर्डर्स मंथली करते हैं तो आप इधर आए, ये आपका 40 कैंसलेशन 40 रिटर्न के बाद 1,48,000 रुपए का प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप 30 पे करें और इसको भी आप 30 पे करें तो ये 3,06,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। ये सेम वही कैलकुलेशन है जो इस्माइल भाई की थी, तकरीबन उनकी भी कल जो है वो 300 डिलीवर्ड थे और कुछ पेंडिंग थे। सेम इसी तरह यहाँ पे देखे कि हमारे पास टोटल 900 ऑर्डर्स आए, 900 में से हमारे पास सिर्फ 441 ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर्ड हुए और हमें 3,06,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब फाइनल चीज जो इस शीट में मैंने आपको समझानी है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब हर कोई पूछता है ना कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बात यहां पे आती है। मैं सबको बताता हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स फार्मूला नहीं है इन्वेस्टमेंट का कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने अगर महंगी प्रोडक्ट चूज कर दी है तो जाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी, आप महंगी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। आपने अगर सस्ती प्रोडक्ट चूज की है तो जाहिर है आपको फिर इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होगी। सेम इसी तरह अगर आपने डेली 50 ऑर्डर्स निकालने हैं तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको डेली 10 ऑर्डर्स निकालने हैं तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जो हमारा सर्कल होता है वो 10 दिन का होता है, 10 दिन में आपकी पेमेंट जो है वो कोरियर से, मतलब एक सर्कल लगा के आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। जो पार्सल आपके डिलीवर्ड हुए होते हैं वो पेमेंट आपको वापस मिल जाती है 10 दिनों में। तो 10 दिनों में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाना चाहते हैं कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो ये डेटा आप अपनी शीट में पुट करें। आप देखें कि आपको प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, अगर 900 की मिल रही है और डेली 40 ऑर्डर्स आप जनरेट करना चाहते हैं तो 10 दिन के हिसाब से आपको चाहिए 3,54,000 रुपए का आपको सरमाया चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस का सर्कल चलाएंगे। अगर आपके पास 3.5 लाख रुपया है तो 3.5 लाख रुपए के हिसाब से आप डेली 40 ऑर्डर्स जनरेट करना कर सकते हैं और वो 40 ऑर्डर्स की जो सोर्सिंग वैल्यू होगी वो 900 होगी। सेम इसी तरह अगर आपने ये 900 है, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज की कि जो 1800 की मिल रही है, ठीक है 1800 की मिल रही है, तो जहां पे आपको 3.5 लाख रुपया चाहिए थे वहां अब आपको 6 लाख रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेम इसी तरह जहां पे आप 40 ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, अगर आप डेली 80 ऑर्डर जनरेट करने के चक्कर में है तो आपको 12 लाख रुपया चाहिए। लेकिन अगर आप डेली जो है वो सिर्फ 20 ऑर्डर जनरेट करने के चक्कर में है तो 20 ऑर्डर के हिसाब से आपको 3 लाख रुपया चाहिए। और 20 ऑर्डर के बाद अगर आपकी सोर्सिंग भी 900 रुपए में है तो आप 1,77,000 में भी अपना काम चला सकते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस शीट। ये शीट आपको yasirsharar.com पे अवेलेबल होगी, आपको मिल भी जाएगी। और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि रात को ही वेबसाइट पे ये अपलोड कर दूं तो आप इस शीट के जरिए से अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस शीट की आपको समझ आई है कि नहीं, यस या नो करें।
भाई आपने अगर लोकल ई कॉमर्स करना है तो ये शीट मस्ट है आपके लिए। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया ये शीट। बल्कि मैं देख भी लेता हूँ, शायद अपलोड हो भी चुकी हो। चलिए ये मैं देख रहा हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, फैजान भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिए, तो कुछ फैजान भाई से भी सीखते हैं। फैजान भाई क्या आप हमारे साथ हैं? सर आपका वेट हो रहा है, कहाँ पे आप? तस्वीर दें ना हमें, अपनी शक्ल दिखाएं ना। जी जी फिदान भाई, अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। वालेकुम। नहीं स्लो है। अब आवाज हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, शीट से रिलेटेड। आवाज आ रही है आपको? फैजान भाई आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही है। आप ऑडियंस बता देना, आवाज ठीक आ रही है तो शायद मुझे ना आ रही हो। फैजान भाई की आवाज ठीक आ रही है? स्लो है भाई, आपकी आवाज स्लो है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके। जी यासर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी अभी कुछ गुजारा हुआ है, आप अपनी आवाज सेट करें। इतने में, इतने तक मैं स्टूडेंट्स को लेके जाऊं, बार बार पूछ रहे थे। तो भाईजान आपने विजिट करना है yasirsharar.com। ठीक है, yasirsharar.com पे अगर कोई भी आपको यहाँ पे सर्विसेज रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, अभी लिस्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह ये एक्सेल शीट भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, आप यहाँ से ही एक्सेल शीट में अपना डेटा वगैरह पुट कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको टिकटॉक वगैरह की जो मसले मसाइल थे, जिसको टिकटॉक रिलेटेड कोई अकाउंट चाहिए तो वो बंदे भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे लिस्टेड कोई भी बंदा जो है वो
कुछ हद तक ट्रस्टेड होगा, लेकिन अंधाधुन ट्रस्टेड नहीं होगा कि जिस पे आप अंधा ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये बंदा यासिर ने रिकमेंड किया है तो बस अब ये ट्रस्टेड है, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होगा। कोई भी बंदा ट्रस्टेड उस हिसाब से नहीं होता, इंसान है, किसी का कहीं भी जो है वो दिल में कोई भी चीज आ जाती है। ठीक है, तो भाईजान दो कोर्सेज हमारे फिलहाल अवेलेबल है, जिसकी तारीख लास्ट तारीख जो है वो 20 दिसंबर है, आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिकल हमारा 101 और दूसरा हमारा जो है वो ऑनलाइन बैच है। ठीक है, इन दोनों को आप जाके एक्सप्लोर करें, लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। आपने अगर वो प्रॉपर जो है वो पेड कोर्स की तरफ आना है तो ये आपके लिए मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा फ्री कोर्स तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि जाए फ्री कोर्स करें, उसके बाद जो है अगर आपको समझ आती है तो इस फील्ड की तरफ आए। ठीक है, तो जिसको भी बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि इनरोलमेंट कोर्स वगैरह, वो जाए yasirsharar.com पे और वहां पे देखे कि कौन सा कोर्स आपको सूट करता है, उस कोर्स के लिए अप्लाई करे। 20th लास्ट डेट है। फिजान भाई आप हमारे साथ हैं? जी यासर भाई, मैं आपके साथ हूँ। फिजान भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं यासर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तस्वीर भी अगर आ जाती तो हमें खुशी होती है, काफी सारे लोग आपके लिए तरस रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर वेलकम भाई। एक और अनाउंसमेंट करनी है, अनाउंसमेंट ये है कि फैजान भाई पाकिस्तान आ चुके हैं और कल परसों इंशाल्लाह इतवार को हमारा मीटअप होगा लाहौर में, 5:30 बजे हमारा मीटअप होगा। और हमारे मीटअप की लोकेशन क्या होगी फैजान भाई? कोलैब्स 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 लाहौर, के नाम से कोई को वर्किंग स्पेस है, वहां पे हमारा मीटअप होगा। और मीटअप ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रॉपर फिजिकली आपसे क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप में से जो भाई लाहौर से है वो बताए यस, बताए कि मैं लाहौर से हूँ, और वो कल आए भाई परसों, सॉरी 18 तारीख है ना फिजान भाई, परसों क्या डेट है? 15 संडे, संडे का 17 डेट है, तारीख आती है, संडे का 17 डेट है। संडे का दिन है, 5:30 बजे है। कोलैब्स के नाम से को वर्किंग स्पेस है, गूगल करें, मैं कम्युनिटी में लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप वहां पे पहुंचे, आपका कोई भी क्वेरी हो मैं और फिजान भाई हाजिर होंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। फिजान भाई इस्लामाबाद की भी कोई तरतीब सेट करे कि नहीं? इस्लामाबाद की तरतीब का भी थोड़ा सा बना रहे हैं सेटिंग, अगर बन जाती है, क्योंकि मैंने वापस फ्लाई करना है 1-2 दिन के अंदर, अच्छा तो सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेटिंग बन जाती है तो बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। चले, इस्लामाबाद वालों के लिए भी हम कोई तरतीब सेट कर लेंगे। तो फिजान भाई कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड आज हमारी क्लास थी, आप कुछ गाइड करेंगे प्रोडक्ट रिलेटेड? बिस्मिल्लाह करें, मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ, आप स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब माशाल्लाह से जो है ई कॉमर्स करना चाहते हैं, और मैं यहाँ पे अभी जो 2 दिन के लिए आया था, उसका बुनियादी मकसद, मीटअप तो चले एक ऑप्शनल हो गया, मेरी फ्लाइट डिले हो गई तो चले हमने एक मीटअप अनाउंस कर दिया, वरना हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग, उनको उनसे मुलाकात हो, क्या कर रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, वो चीज़ें डिस्कस हो, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था। तो अभी उनसे जो कल रात को मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी, वो यही हो रही थी कि एक ई कॉमर्स एक वाहिद ऐसा बिजनेस है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, अभी चाहे वो अमेजोन हो, टिकटॉक शॉप कर रहा है, शॉपिफाई कर रहा है, चाहे दुबई कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी कर रहा है, एक वाहिद ऐसा बिजनेस है जो लोगों को एक बेहतरीन जरिया माश दे पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो आज आज की डेट में जो ग्रेजुएट नहीं भी हुए हैं, वो अच्छे खासे पैसे जो है ना वो कमा रहे हैं। तो प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब भी आप ई कॉमर्स करते हो, जब आप अमेजोन पे करते हो या शॉपिफाई पे करते हो, टिकटॉक शॉप पे करते हो, प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो रोल है, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, चाहे आप मार्केट प्लेस पे काम करो, चाहे आप शॉपिफाई पे काम करो, आप फंस जाओगे, ठीक है। और इट्स बीन मोर देन 6 ईयर्स मैं लोकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, 6 साल हो गए मैंने ई कॉमर्स कर रहा हूँ। मैं पढ़ाता भी रहा पिछला पूरा साल, बट मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, ट्रेनिंग्स देना काफी टाइम से रोक दी थी मैंने, क्योंकि ज्यादा फोकस अपने स्टोर्स पे चल रहा था। तो मैंने जो पूरा एक जो वो कहते हैं ना निचोड़ निकाला है, वो निचोड़ यही है कि
आपको अपने बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस जिद्दत लानी पड़ती है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली अपने बिजनेस के अंदर जिद्दत लानी है। अगर एक फार्मूला एक साल पहले मैंने या यासर भाई ने बोला था कि यार ये फार्मूला है प्रोडक्ट हंटिंग का, आज वो फार्मूला नहीं है, लिटरली आज वो फार्मूला नहीं है, आज फार्मूला चेंज हो चुका है। ई कॉमर्स इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, इतना रिवॉल्व हो रहा है कि जो स्ट्रेटेजी हम 3 महीने पहले प्लान करते हैं वो आज इम्प्लीमेंट करते नहीं काम करती। क्यों? क्योंकि वो चीजें पुरानी हो चुकी होती, नई चीजें आ चुकी है मार्केट के अंदर। सॉरी फॉर दिस, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर करो, ठीक है। आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर करनी है, ठीक है। आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेक श्योर करना है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेक श्योर होती है कि आपने सोर्सिंग करते वक्त, जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के वक्त अपना प्रॉफिट डिसाइड करना है। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जाएंगे तो लोग ये कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रोडक्ट बेचने के बाद नहीं होता, प्रोडक्ट खरीदते वक्त प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है। आपको अपना प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए अपनी सोर्सिंग, अपनी प्राइस पॉइंट्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप कुछ प्रोडक्ट हंटिंग की चीज़ें अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ये आप स्क्रीन शेयर करें फैजान भाई, इतने तक यार जो लोग देख रहे हैं काइंडली शेयर कर दे। अभी तक सिर्फ 65 शेयर दे हमारे पास, कम से कम 500 शेयर हो फैजान भाई, आप फिर कंटिन्यू करें। ये लोग शेयरिंग में बहुत कंजूसी करते हैं यार, समझ नहीं आ रही क्यों। काइंडली शेयर कर दे, आप में से जो भी देख रहे हैं सिर्फ एक ही बटन आपने दबाना है और ये वीडियो शेयर हो जाएगी तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी। काइंडली इसको शेयर कर दे, जो जो शेयर कर रहे हैं साथ में डन लिखे, कमेंट में डन लिखे जो जो शेयर कर रहे। मेरे भाई शीट जैसे ही अपलोड हो जाएगी yasirsharar.com पे तो आपको मिल जाएगी, मैं आज ही रात को अपलोड कर देता हूँ शीट। डन करे, डन करे, शेयर करे। शेयर्स 1000 बंदे में सिर्फ 10% लोगों ने शेयर किए। डन करे, डन करे, डन करे। ये बिन्नी फैब्रिक्स कौन है? जी जी एड की वर्कशॉप भी होगी कि एड आपने कैसे प्लेस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्स वगैरह कवर करेंगे जिसमें टिकटॉक होगा तो वो चीजें भी क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप शेयर तो करें ना, बाकी चीजें हम करते हैं डन। अगर वर्कशॉप मैंने 4 दिन करवा दी, अगर ये 5 दिन तक भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, 6 दिन तक भी जाती है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। फैजान भाई स्क्रीन शेयर की है आपने? एक मिनट करो, स्क्रीन आ रही है मेरी? जी मैं करवाता हूँ। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी आवाज आ रही है। अच्छा देखिए, पहले एक स्ट्रेटजी होती थी, हम लोग एक अपनी कोई भी हॉट प्रोडक्ट उठाते थे, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते थे और हम उसको बेचना शुरू कर देते थे। अब थोड़ी सी चीजों को चेंज किया है, ठीक है, थोड़ी सी चीजों को चेंज इस तरह से किया है
कि हमने हमने क्या किया कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो बातें बताता हूँ जो मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने स्टोर्स के ऊपर। मैंने अपने स्टोर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की किया है कि अब मैं जो है ऐसी प्रोडक्ट्स काम कर रहा हूँ जो कि मिडिल पाकिस्तान होती है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट उठाता हूँ बाहर से, ठीक है, बाहर से कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, कॉन्टेंट भी बाहर से उठाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट को मेड इन पाकिस्तान बना के उसको बेचूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होती और मुझे उस पर कॉम्पिटेटिव एज मिल जाता है, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं जो है अपने स्टोर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट बनाऊं, ठीक है। कंटेंट डिफरेंट किस तरह से बनाऊं कि मैं, जरूरी नहीं कि मैं चाइनीज कंटेंट उठाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो है उसको क्या कहते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके प्रॉपर यूजीसी क्रिएट करूँ। ये दो वाही चीजें हैं जो मुझे सक्सेसफुल करती हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, चाहे मैं उसको प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, चाहे मैं वाइट लेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी ई कॉमर्स की क्या है, सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट हंटिंग की क्या है कि आपने कोई भी वेबसाइट उठा ली, जैसे कि कीओ इज वन ऑफ द वेरी टॉप स्टोर, ठीक है। आपने उसकी वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाला, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं डाली, आपने उसका नाम डाला, ठीक है, और यहाँ पे आपको वो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर राइट नाउ काम कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा कि यार अभी वो मसाला ग्राइंडर बेच रहा है, ठीक है, वो पोर्टेबल प्रिंटर बेच रहा है, वो प्रिंटर वाली प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। अब इसने देखिए, इसने चाइनीज कंटेंट नहीं उठाया, इसने वो कंटेंट उठाया है जो खुद इसने बनवाया। ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, एक टिकटॉकर है, उसको इसने उठाया, और उठाने के बाद इसने उस बंदे से उस बंदे का कंटेंट गूगल के फेसबुक एड्स के ऊपर चलाया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ब्रिंग चेंज, ठीक है। अगर आप एक सिंपल उस रास्ते पे चलते रहोगे जिस पे सब अमल कर रहे हैं, तो शायद आपके सक्सेस के चांस कम हो जाए, बट आप जहां जहां कोशिश करके आप कोई ना कोई जिद्दत लेके आओगे। जिद्दत की मुराद ये कि कोई डिफरेंशिएशन पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आप डिफरेंट कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट सिलेक्शन में, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। रूल क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि आपका जो मार्जिन है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्जिन है वो 50% होना चाहिए, ठीक है। जासिर भाई की शीट आप लोगों ने देख ली है, इसी तरह से ना आप अपनी शीट बनाए, ठीक है। आप जासिर भाई की शीट देख रहे हैं, डाउनलोड भी करें, बट उस शीट को कम्प्लीटली स्टडी करें, ठीक है, उस शीट के फॉर्मूलाज को स्टडी करें कि किस तरीके से बैकएंड पे फॉर्मूला वर्क कर रहा है। आपने क्या करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपके पास मिनिमम 50% का मार्जिन होना चाहिए, 50% का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन 50% का कैसे होना चाहिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक जी जी है। इस आ रही प्रोडक्ट है। का सेलिंग प्राइस है, इट्स 2400, ठीक है, 2400 इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो आपको एटलीस्ट 1000, आपको पड़नी चाहिए 1200 रुपये। 1200 से कम का ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। 1200 किस तरीके से, 1000 रुपये की इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट और 200 रुपये आपके ऊपर, इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस होंगे, ठीक है। ठीक है, और आपने 2400 के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, 2400 के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल करना है ताकि आपका 50% मार्जिन सिक्योर हो जाए। दूसरी चीज, प्रोडक्ट के अंदर आपको, प्रोडक्ट के अंदर जो दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने की होती है वो ये देखने की होती है कि आप प्रोडक्ट जो उठा रहे हो वो कोई ना कोई आपकी जिंदगी का मसला हल कर रही हो। ये प्रोडक्ट आपके सामने, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है। आपने जो भी प्रोडक्ट पे काम करना है वो आपने ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना है जो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। दूसरी चीज, एक दफा जब आप ई कॉमर्स को थोड़ा सा समझ जाए, ठीक है, आप ई कॉमर्स को जब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाए, तो आपको फोकस करना चाहिए उन प्रोडक्ट्स पे काम करने पे जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो शॉपिफाई का काम है पूरी दुनिया के अंदर होता है, ठीक है, खाली एक यहाँ पे नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर ये काम होता है, ठीक है। आप बाहर से भी प्रोडक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है, चाइना से अपनी प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, चाइना से प्रोडक्ट्स मंगा के यहाँ बेचो, ठीक है। जब आप चाइना से प्रोडक्ट्स मंगा के यहाँ बेचोगे तो आपको इवेंचुअली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पर कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा, क्योंकि कोई और वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होगा। आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने प्रोडक्ट उठाया, टेस्ट किया, रिजल्ट आना शुरू हो गया, आपने चाइना से ऑर्डर प्लेस किया, चाइना से आपका स्टॉक आ जाएगा, चाहे महीने में आए, 2 महीने में आए, और फिर आप उसको बेचना शुरू करो। जब आप उसको बेचना शुरू करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी।
यानी आपके पास उस वक्त ये ऑप्शन होगा कि आप 400 वाला प्रोडक्ट 2500 में बेच सकते हो। अभी आप 1000 वाला प्रोडक्ट 2500 का बेचो, उस वक्त आप 400 वाला प्रोडक्ट 2500 का बेच सकते हो। फैजान भाई एक कमेंट आया कि ये जो आपने लोकेशन बताई एक जोहर टाउन में है और एक दूसरी जगह, ये दो इनके ऑफिस है, तो कहाँ पे आपने आना है लाहौर मीटअप के लिए? लाहौर मीटअप कहाँ पे है? कॉलेप्स कौन सा वाला है? इधर वाला है? गुरु मांगड़ रोड, गुरु मांगड़ वाला, गुरु मांगड़ रोड। हाँ ठीक है, हाँ मैं बता दू, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। आप स्टोर्स की जो है ना बहुत सारी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को, एक एक पॉइंट के प्रोडक्ट को एनालाइज करो। मैं आपको एक और टिप देता हूँ, एक बंदा अगर नवंबर से एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला रहा है, ठीक है, 10 दिन 15 दिन से एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी सेल भी आ रही होगी और वो पैसे भी कमा रहा होगा। जब सेल भी आ रही है और वो पैसे भी कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए प्रॉफिटेबल है। तो आप उसकी उस तरह से भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि यार एक बंदा एक प्रोडक्ट के ऊपर इतने टाइम से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी, तभी वो 15 दिन 20 दिन और साल साल तक अपनी एड्स रन करता है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट्स लिस्ट डाउन करनी, कौन कौन सी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं इस नीश के अंदर। डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, आई रियली एडमायर दिस वेबसाइट, ठीक है। अब इसकी एड्स देखें कितनी ज्यादा एड्स वो रन कर रहा है, जाहिर सी बात है वो पैसे कमा रहा है तभी वो पैसे लगा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे बिना वजह लगा रहा है। अब मैं आपको इसकी एड्स दिखाता हूँ, नवंबर से वो इस प्रोडक्ट के ऊपर एड चला रहा है, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, वो प्रॉफिटेबल है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तभी वो एड चला रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और डिस्क्लेमर भी शेयर करता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है। प्रोडक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखने की होती है ना, वो ये देखने की होती है कि एक प्रोडक्ट वर्थ द प्राइस है, ठीक है। कस्टमर ने 2500 रुपये खर्च किए, ठीक है, वो 2500 रुपये के अगेंस्ट एक प्रोडक्ट मंगा रहा है, जब उसके हाथ में वो प्रोडक्ट आएगा तो क्या वो प्रोडक्ट 2500 रुपये की वर्थ का प्रोडक्ट है? मतलब उसके हाथ में जब वो प्रोडक्ट पहुँचेगा तो क्या उसे, मतलब किस तरह से समझाऊं मैं आपको, वो 2500 रुपये उसने अपनी जेब से लगाया है, उसकी हकलाल की कमाई है, तो जब उसके पास वो 2500 रुपये के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट पहुंचा है क्या वो वर्थ इट है 2500 रुपये के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ आप सीखोगे जब आप बिजनेस के अंदर उतरोगे, जब बिजनेस के अंदर उतरोगे तो आप सीखोगे यार मैं ये 2500 रुपये का प्रोडक्ट बेचूं क्या ये वर्थ इट है, चाहे आपने खरीदा 400 रुपये का हो चाहे आपने खरीदा 200 रुपये का हो, बट क्या वो वर्थ इट है कस्टमर के लिए, क्या वो वर्थ इट है कस्टमर के हाथ में जब पहुंचेगा, कस्टमर के लिए जो यूटिलिटी है, कस्टमर के लिए जो यूजेज है, क्या उसमें वर्थ इट है कि नहीं। वन थिंग, सेकंड थिंग आपने थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर काम करना है। मैं आपको समझाता हूँ, दो लोग हैं, मैं मेरी और यासिर भाई की एग्जांपल देता हूँ, मैं और यासिर भाई दोनों सेम प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, हमें सेम सोर्सिंग है हमारी, सेम सेलिंग प्राइस है और सेम वेबसाइट है। अब हमारी बचत कहाँ पे होगी? देयर आर टू कंपोनेंट्स जहाँ पे हमारी बचत होती है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेचते हैं, ये बहुत कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर, हर मार्केट के अंदर इसी तरह होता है कि एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेचते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने घबराने की जरूरत नहीं है कि यार एक प्रोडक्ट इतने सारे लोग बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेचते हैं। आपने वो फैक्टर ढूंढना होता है जिस फैक्टर के ऊपर आप सामने वाले से या आप अपने कॉम्पिटिटर से एज बनाओगे, आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं और यासिर भाई एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम हमारी सोर्सिंग है, हर चीज़ सेम है, वेबसाइट भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है। मैं किस तरीके से यासिर भाई को बीट कर सकता हूँ? मैं यासिर भाई को बीट करने के लिए मेरे पास से दो स्ट्रेटजीज है। एक तो ये कि यासिर भाई का क्या है, यासिर भाई बनाएंगे कंटेंट चाइना वाला, यासिर भाई कंटेंट डाउनलोड करेंगे चाइना वाला और यासिर भाई कंटिन्यूसली उसके ऊपर एड्स चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उस कंटेंट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी इन्फ्लुएंसर को भेजूंगा, किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जो अच्छी वीडियो शूटिंग जानता है, ठीक है। तो जब वो वीडियो शूट करके मुझे देगा और जब मैं उस पर एड रन करूंगा तो इवेंचुअली मुझे यासिर भाई से ज्यादा अच्छे ऑर्डर आएंगे और ज्यादा सस्ते ऑर्डर आएंगे। सस्ते से मुराद ये कि यासिर भाई $1 का एक ऑर्डर पड़ रहा है तो हो सकता है मुझे $0.50 का एक ऑर्डर पड़े, ठीक है, यहाँ मेरी बचत होगी। दूसरी बचत मेरी ये हो सकती है जहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एज ले सकता हूँ यासिर भाई से, वो ये होगा कि जब मेरी सेल आ जाएगी तो मैं अपने कस्टमर को बेहतरीन कस्टमर सर्विस दूँ,
यानी मैं अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहूँ, ठीक है। हमारे यहाँ मोस्टली जितना भी मैंने फेलियर देखा है लोगों के अंदर, वो यही होता है कि वो ऑर्डर सिर्फ शॉपिफाई तक लाने पे खुश हो जाते हैं। असल खुशी तब होनी चाहिए इंसान को जब वो उस ऑर्डर को कस्टमर के घर तक पहुँचा के उसकी पेमेंट कलेक्ट कर ले। शॉपिफाई पे ले आते हैं, वो कस्टमर से कनेक्ट नहीं होते, कस्टमर से कनेक्ट नहीं होते, डिलीवरी से डिलीवरीज पे फॉलो अप नहीं लेते, तो इवेंचुअली उनका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, ठीक है। मैंने एक ही प्रोडक्ट पे एक बंदे का 50% रिटर्न रेट भी देखा है और एक ही प्रोडक्ट पे एक बंदे का मैंने 20% रिटर्न रेट भी देखा है। दोनों टिकटॉक पे काम करते थे। रीजन सिर्फ इतना था कि जो 20% वाला था वो कंटिन्यूसली अपने कस्टमर का फॉलोअप लेता रहता था, कुरियर के साथ भी लेता था, कस्टमर के साथ भी लेता था। और ये जो सारी बातें है ना, अब आपको बिल्कुल नहीं लग रही होंगी कि यार प्रोडक्ट हंटिंग किया है, प्रोडक्ट सोर्सिंग किया है, गोल्डन प्रोडक्ट किया है, विनिंग प्रोडक्ट किया है। एक्चुअली जब आप बिजनेस के अंदर आ जाओगे ना, जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाओगे, तो ये विनिंग प्रोडक्ट, ट्रेंडी प्रोडक्ट, गोल्डन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, प्रोडक्ट हंटिंग कुछ भी नहीं होता, ये सारा का सारा एक जोक है, ठीक है। ये तब तक है जब तक आप बिजनेस के अंदर नहीं है। जिस दिन आप बिजनेस का हिस्सा बन गए, जिस दिन आप बिजनेस के अंदर आ चुके हो, आपका ये गोल्डन प्रोडक्ट का ख्वाब या आपका ट्रेंडी प्रोडक्ट का ख्वाब, ये सारे ख्वाब आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आपको पता है यार बेचना आना चाहिए, बिकता सब कुछ है। यू विल लर्न हाउ टू सेल। जब आप बिजनेस करोगे तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि यार इट वाज नॉट अ गोल्डन प्रोडक्ट, इट वाज नॉट अ गोल्डन प्रोडक्ट, इट वाज माय स्ट्रेटजी, इट वाज माय स्ट्रेटजी दैट मेक इट सक्सेसफुल, इट वाज माय स्ट्रेटजी दैट मेड मेड प्रॉफिट्स फॉर मी, इट वाज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज नेवर अ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा होगा कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया। नो, ऐसा नहीं होता। आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है, प्रोडक्ट फेल नहीं होती। आई एम रियली सॉरी यार, मेरी तबीयत बहुत ऑफ है। अच्छा मैं आपको एक बात, मजे की बात बताता हूँ। जो प्रोडक्ट चाइना बना, जो भी प्रोडक्ट चाइना ने बना दी, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट चाइना ने बना दी, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई, जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गई, वो बिकेगी। आप नहीं बेचोगे, मैं बेचूंगा, ठीक है, कोई ना कोई बेचेगा। अगर आपके दिमाग में ये कि ये प्रोडक्ट फारिग है, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी मार्केट में प्रोडक्ट उतरती है, वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकती है। आपको अपनी स्ट्रेटजी सही करनी है, आपने अपनी प्राइसिंग सही करनी है, आपने अपना कॉन्टेंट सही करना है, आपने अपनी टारगेटिंग सही करनी है, आपने अपनी वेबसाइट ठीक करनी है, प्रोडक्ट बिकेगा। आपका प्रोडक्ट पे यकीन होना चाहिए, प्रोडक्ट बिकेगा, एट एनी कॉस्ट बिकेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, वो फैक्टर्स वही है तीन। प्राइस पॉइंट यानी कि मार्जिन, अगर मार्जिन सिक्योर हो, 50% मार्जिन हो, मिनिमम सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की जो है वो 2500 रुपये होनी चाहिए। 2500 से कम की आपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, ठीक है। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे जितने भी 8-10 स्टोर चल रहे हैं, सब पे मेरा यही इम्प्लीमेंटेशन है। मैं 2500 दिरहम से कम की किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम ना करूँ, ठीक है, 2500 रुपये की, ठीक है। दूसरा मेरा ये चीज होती है कि यार मैं उस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी को कंटेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकूं। व्हाट इज मार्केटिंग एक्चुअली? मार्केटिंग फेसबुक ऐड चलाना या टिकटॉक ऐड चलाना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर को अपना मैसेज कैसे कम्युनिकेट करते हो, हाउ यू कम्युनिकेट योर मैसेज टू योर कस्टमर। मैं ये देखता हूँ कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिस प्रोडक्ट के अंदर मैं अपने कस्टमर को अपना मैसेज बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी होती है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब कस्टमर के हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छा है, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मसला ये होता है कि उसकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। मैं अपने कस्टमर को नहीं बता पाता एड्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कि यार ये प्रोडक्ट कितना मजे का है, यार तुम हाथ में लेके देखो, ये प्रोडक्ट बहुत मजे का है। मैं नहीं बता पाता। जब मैं ये चीज नहीं बता पाता तो वो चीज नहीं बिकती, क्योंकि मार्केटिंग एड चलाना, बूस्ट करना, $50 की एड, $100 की एड, दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज नॉट एड्स। What is ads? What is marketing? Marketing is actually communication. How you communicate with the customer through your ads. How you communicate with your customer through your videos. Okay? How you translate your product to your customer. This is what marketing is. ठीक है, क्योंकि AI की दुनिया है, AI इतना strong हो चुका है कि वो time गया जब Facebook की targeting हमें परेशान करती थी और ये सारी चीजें परेशान करती थी, अब बहुत आसान हो गया। Facebook कहता है don't teach me कि ads कैसे चलने चाहिए, you just give me a good content. Just give me a good product page. I'll make sure के product आपका सही audience तक पहुंच जाए, ठीक है। तो price point और margin की बात बहुत important है। उसके बाद है उस product की utility और उस product की communication. अगर आप उस product की utility और communication सही तरीके से कर सकते हो, तो I'm pretty sure आपका product फौरन बिकना शुरू हो जाएगा। Third thing is, I personally prefer right now at this stage after spending so many years in industry, what I feel is now I go for the products which are not available in the local market but are available in the Europe and Middle East. ठीक है,
मैं दुबई में होता हूँ तो अक्सर मेरे सामने कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो शायद पाकिस्तान में आज तक नहीं पहुंचा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस प्रोडक्ट को मैं पाकिस्तान भेज दूँ और उसकी एड्स चलाना शुरू कर दूँ। उसकी एग्जाम्पल एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल है डबल ग्लास क्लीनर। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो। ये प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं था, मेरे पास दुबई में बहुत पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं दुबई और सऊदी में भी ई कॉमर्स करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था ये स्टॉक। तो मैंने टेस्टिंग के लिए 500 पीस भेज दिए मैंने इधर पाकिस्तान के अंदर, और बिकना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी यूटिलिटी पता थी। जैसे कराची जैसा अगर शहर है, बिल्डिंग है, तो बहुत सारे लोगों को अपने शीशे के बाहर का हिस्सा साफ करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से अपने बाहर का शीशे का हिस्सा साफ कर सकते हो। मैं इसकी एड भी इस तरीके से डिजाइन हुई हुई थी कि मैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पा रहा था अपने कस्टमर तक, बस वो चीज थी और वो एज था मेरे पास। मैंने वो प्रोडक्ट मंगाई, अपने दुबई से भिजवाई यहाँ पे, और बिकना शुरू हो गई। मैं इसको 3x प्रॉफिट पे भेजा, 3x प्रॉफिट पे मेरा ये प्रोडक्ट बिक रहा था, और अलहमदुल्ला बिकता था। कुछ प्रोडक्ट्स मेरी फेल भी होती हैं, मतलब 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स का तजर्बा करता हूँ, तो मेरी मुश्किल से जाके 7 प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है। सिर्फ 7 प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाती है, मेरी 10 में से 10 सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है, हर दफा आपको जिद्दत आ रही है, रेवोल्यूशन आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, नई नई स्ट्रेटेजीज आ रही है, तो एक्चुअली हर दफा आपका सक्सेस नहीं लगता, हर दफा आपका जो इनसाइड होता है वो क्लिक नहीं करता, हर दफा आप वहां नहीं पहुंच पाते जहां आप पहुंचना चाह रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि सक्सेस फेलियर हमारे साथ भी एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है खाली आप लोग जो नया कारोबार शुरू करो या नया आए हो उनको प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी बिजनेस के अंदर इन तमाम मसलों से गुजरना पड़ता है। नहीं हिट करती प्रोडक्ट, मैं अपनी एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मेरी एक प्रोडक्ट गले गले पड़ गई है, मेरे पास 1000 पीस पड़े हैं उसके। मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, वो मेरे लिए मुसीबत बन गई है, वो नहीं बिक रही। अब पता नहीं क्यों नहीं बिक रही, बट नहीं बिक रही। दिस इज अ प्रोडक्ट आई हैव इंपोर्टेड 1000 पीसेस, वो मेरे पाकिस्तान में नहीं बिक रही। मैंने जितनी कोशिश कर ली, एड स्पेंड भी कर लिया, कंटेंट भी बना लिया, टेस्टिंग भी कर लिया, बट ये नहीं बिक रही, नहीं बिक रही तो नहीं बिक रही। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, मेरे पास 1000 पीस पड़ा हुआ है, ना उसको फेंक सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। वो मुझे वेयर हाउस भी मेरी जगह घेर रहा है, वो एक अलग मसला है। अब हो सकता है कोई और चलाए तो शायद बिक जाए, इफ समवन एल्स ट्राई हो सकता है बिक जाए, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी नहीं बिक रही तो किसी की भी ना बिके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कि प्रोडक्ट ए है, ठीक है, और 2 यूजर्स है, यानी कि मैं हूँ और यासर भाई है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरी बिकना शुरू हो जाए और यासर भाई की ना बिके, या यासर भाई की बिकना शुरू हो जाए और मेरी ना बिके, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग ने घबराना नहीं होता कि आपका एक दोस्त है, उसकी एक प्रोडक्ट बिक रही है, आप उसकी कॉपी कर लो, हो सकता है वो आपके पास ना बिके, और हो सकता है आपकी प्रोडक्ट चल रही हो और आपकी प्रोडक्ट कोई और कॉपी करे उसके पास ना चले, ठीक है। ये बहुत जनरल है, मतलब मेरी प्रोडक्ट्स नॉर्मली मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको पता होती है, यासर भाई को मेरी तमाम प्रोडक्ट्स का पता होता है, मेरे जो दोस्त यार है जो मेरे साथ ई कॉमर्स करते हैं, इस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं सारे जो ई कॉमर्स कर रहे हैं मेरे साथ, उनको सबको मेरी प्रोडक्ट्स पता होती है, ठीक है। मैं नहीं छुपा रहा किसी से भी प्रोडक्ट, तो मुझे पता है, जरूरी नहीं कि यार मेरी बिक रही तो उसकी भी बिकना शुरू हो जाए। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है, बाकी प्रोडक्ट कटिंग तो इतना डिटेल टॉपिक है, मैं शायद 7-8 घंटे इस पर बात कर सकता हूँ, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो सही नहीं है, गला बहुत खराब है, ज्यादा बात नहीं हो पा रही। तो यासिर भाई कोई सवाल आते तो आप मुझे बता दें। सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। असल में जो सारी बातों का एक खुलासा अगर मैं आपको बताऊं, वो फिजान भाई ने आपको बता दिया कि जब आप फील्ड में इन होते हैं ना, जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च और ये चीजें मतलब कोई अहमियत ही नहीं रखती, ये खत्म हो जाती है। आपका जो सब कॉन्शियस है वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो हर कोई डेली जो है वो 2-3 घंटे लगा रहा होता है। तो देखें, एक्चुअल में जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्ट वही सोशल मीडिया यूजेज में ही आपको निकल आती है। आपके सामने अगर एक एड आता है, उस एड में अगर आप उस प्रोफाइल पे जाके क्लिक कर लेते हैं या उस साइट
स्पेसिफिक फेसबुक पेज पे जाके उसको क्लिक कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, फिर उस पेज को मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग असल में है क्या। मैं आपको ना थोड़ा सा लेके जाता हूँ, शायद अगर मेरे सामने कोई एड आया तो मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा, थोड़ी प्रैक्टिकली चीजें क्लियर कर दूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। मैं आप 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूं। देखिए भाई, सबसे पहले तो कनेक्टेड पाकिस्तान आ गया, चले गुड हो गया। देखिए अब ये फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है? मैं सारा दिन फेसबुक पे टाइम गुजारता हूँ, ठीक है? जीरो लाइफस्टाइल के वॉचेस का एड किसने नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। साद अफरीदी सेंट एंड स्टोरीज, भाई जबरदस्त हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे सामने कोई एड आया, ताकि मैं प्रैक्टिकली इस चीज को कवर करूँ। ये गो डैडी है तो गो डैडी को छोड़े, नीचे आए कोई प्रोडक्ट रिलेटेड एड आए ना, ये जी हैंडमेड माफिया का एड आ गया। किसी ने अगर जूती लेनी है तो जाए हैंडमेड माफिया पे, सॉरी। शूज आ चुके हैं भाई हैंडमेड, बहुत अच्छे अच्छे शूज। यार ये मैं किधर जा रहा हूँ, अच्छा ये भी जीरो लाइफ स्टाइल है, ये ऑनिक है। अब कोई ऐसी चीज मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट को हम फर्दर एक्सप्लोर करें। शेख सजावल भाई, चले जी, ये हमारे पास जो कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने कल का हमारा लेक्चर देखा था, मैंने एक टिश्यू बॉक्स की एग्जाम्पल आपको दी थी, कैप्राहम। ये हमारा एक जानने वाला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैंडमेड आइटम्स में। अब आप फॉर अ टाइम बीइंग थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपके सामने ये कोई एड आया और ये किसी मतलब चाइनीज कोई प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है? अब आपने इस एड पे सबसे पहले शॉप नाउ पे जाना है, ताकि आपको मजीद से मजीद एड्स आते जाए, ठीक है? फिर मैं कैप्राहम की तरफ गया, कैप्राहम का पेज मैंने देखा, तो इस पेज में जो मैंने एक चीज देखनी है वो मैंने जाना है अबाउट में, अबाउट में तो नहीं, इधर ही जाना है। अबाउट के बाद पेज ट्रांसपेरेंसी पे आना है, ठीक है? पेज ट्रांसपेरेंसी के बाद सी आल पे क्लिक करना है और फिर एड लाइब्रेरी पे आना है। तो मतलब ये इस स्पेसिफिक पेज ने जो जो एड्स लगाए हुए हैं वो एड्स सारे आपको यहां से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो खैर एक ब्रांड है जो सिर्फ लेदर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो इसमें आप देखिए कि इन्होंने 3 एड्स लगाए हुए हैं और वो 3 एड्स लोकेशन वाइज भी आपको दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है। आपको बताता है कि स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 10 दिसंबर के, 10 दिसंबर से ऑन है, तो 10 दिसंबर के बाद आप खुद अंदाजा लगाए कि कब तक ये अभी तक ऑन है, तो जाहिर है अभी तक अगर ऑन है तो प्रॉफिटेबल है, तभी ऑन है, ठीक है? ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको दिखा दी है। अभी अगर मेरे सामने से कोई इस तरह का कोई वाइट लेवल प्रोडक्ट का कोई स्टोर गुजरा तो मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगा। एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं कि आप मेरे सामने से कोई, हाँ ये एड गुजर रहे, ठीक है? लेकिन चले ये भी तो प्राइवेट लेवल है, लेकिन मैं इसमें आया, अबाउट में आया, पेज ट्रांसपेरेंसी में आया, इधर से मैंने आल सेलेक्ट किया, एड लाइब्रेरी में आया। अब देखे ये तो सारे बेल्ट जिस तरह वो दूसरा था कैप्राहम, सेम इसी तरह बेल्ट है, लेकिन जब भी आप इस तरह करेंगे तो आपके सामने मैक्सिमम चीजें आएंगी। मैक्सिमम चीजें कैसे आएगी कि
कि आपको उस ब्रांड से रेलिवेंट मैक्सिमम चीजें मिलेगी और उस ब्रांड से रेलिवेंट जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी। स्क्रीन क्यों रुक गई है यार? ठीक हो गया। तो आपने इस तरह जाके सेम इसी तरह अगर टिकटॉक पे आपको कोई एड दिखता है तो टिकटॉक में भी आपने प्रोफाइल में जाना है, और आपको अगर एक प्रोडक्ट का एड दिखा ना, तो जब आप उसके प्रोफाइल में जाएंगे, जब डीप जाएंगे, तो आपको 10 मजीद प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 प्रोडक्ट्स मजीद मिल गई है, आपको आइडिया हो गया कि भाई ये पेज जो है ये 15 प्रोडक्ट्स मजीद चला रहे, तो उस प्रोडक्ट से भी आपको आइडिया हो जाएगा। उन 15 प्रोडक्ट्स को जाके क्राइटेरिया पे जाके फेंके, आपको पता चल जाएगा कि ये इस क्राइटेरिया को मीट करता है, ये इसको मीट करता है, ये इसको मीट करता है। सारी चीजें खुद ब खुद आपको क्लियर होती जाएगी टाइम के साथ साथ। अच्छा, फिर जब प्रोडक्ट आपने देख ली, तो फिर आप मजीद उसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए दराज पे जाके उसकी सेल्स चेक कर सकते हैं। दराज पे उसकी सेल्स कैसे चेक करनी है? आपने जाना है daraz.pk पे। अच्छा, ये मोबाइल से चेक होगी, ठीक है। मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर बेहतर तरीके से ये चेक करनी है तो मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से जब आप चेक करते हैं तो आपको सेल्स भी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितनी बिकी हुई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जो फिदान भाई ने बताई थी विंडशील्ड, क्या था? ये तो सनशेड है। चले फॉर, हाँ यही प्रोडक्ट थी जो फैजान भाई अभी बता रहे थे ना। इस प्रोडक्ट पे जब आप आएंगे, तो अब इस प्रोडक्ट पे आप अगर मोबाइल से खोलेंगे तो इसका प्रॉपर आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी बिकी हुई है, कितनी बिकी नहीं है। अच्छा, इसके टूल्स भी है, जिस टूल के जरिए आप इस प्रोडक्ट की सेल्स चेक कर सकते हैं। अब ये टूल वो ये है, ये क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। ये पता नहीं मेरे पास लॉगिन है कि नहीं, मैंने इस पे क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट के स्टेट्स मुझे दिखाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे पास लॉगिन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इस चीज को मैंने अपने फ्री कोर्स में भी क्लियर किया हुआ है कि प्रोडक्ट के थ्रू आप स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो टूल्स के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास दो टूल्स हैं, मैं आपको इसको दिखाता हूं, यहाँ पे पिन करता हूं ये दोनों टूल्स। इन दोनों टूल्स को आप लोग आज ही जाए, इन दोनों टूल्स को इंस्टॉल करें। पहला टूल मैं एक मिनट कमेंट कर दूं ताकि फिर पिन कर दूं, ठीक है। एक का नाम है जी सेलर डैश .pk, ये फ्री वाला टूल है, ठीक है। पहला जो टूल है वो हमारे पास है सेलर डैश, ये फ्री वाला टूल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ये मैं रिमूव कर रहा हूं। दूसरा हमारे पास है, उसका नाम है जिनान हंट, ये पेड है, लेकिन पेड भी क्या पेड है, टोटल है ही 1400 रुपए का। और आप इस पे Yasir50 लिखेंगे चेकआउट करते वक्त, Yasir50 लिखेंगे तो 50% ऑफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। जिनान हंट के नाम से ये टूल है। इन दो टूल्स को आपने ट्राई कर लेना है, सिंपल स्ट्रेट। आपने जाना है, एक प्रोडक्ट खोलनी है दराज की, और इस जो क्रोम एक्सटेंशन के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे एक आइकॉन बन जाएगा इनका, आइकॉन पे क्लिक कर लेना है तो उसने आपको पूरी डिटेल्स बता देनी है कि ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, कहाँ पे बिक रही है, और
कितने लोग बेच रहे हैं और मंथली जो है वो इससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से भी लगा सकते हैं कि इसके इसकी मतलब कितनी सेल्स है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, फिर एक और चीज क्लियर करके वाइंड अप करते हैं। ये दोनों एक्सटेंशन सिर्फ दराज पे काम करेंगे, ठीक है? कल हमारी लाहौर में मीटअप है, लाहौर में लोकेशन आपको बता दी है। लाहौर में अगर कोई, सॉरी कल नहीं, परसों इतवार के दिन, ठीक है, आप लाहौर में आए, अगर आप लाहौर के आसपास के इलाके में हैं तो बिल्कुल आप विजिट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं, बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, चीज़ें मजीद डिस्कस कर लेंगे। यासिर 50 है, लेकिन यासिर 50 में स्पेस नहीं है भाई। अनपढ़ तबके के लिए ई कॉमर्स है ना, अनपढ़ तबका भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। शीट अभी थोड़ी देर तक चली जाएगी जरा वेबसाइट पे, ठीक है? ये yasirsharar.com पे आप शीट भी देख सकते हैं, उस पे अपना डेटा पुट कर सकते हैं। लाहौर मीटअप का बता दिया, 5:30 बजे है, और कुलेब्स के नाम से कोवर्किंग स्पेस है वहां पे, मीटअप है। स्टिच क्लॉथिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इनिशियल है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चाइना से चीजें मंगवाने का कभी भी ना सोचें आप। यही चाइनीज चीजें पाकिस्तान में आपको अवेलेबल होगी, प्रोसेस अपने आप के लिए जरूर लंबा ना करें आप। पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है, 150 रुपये महंगी मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी। पिशावर में आपको कारखानों मार्केट से प्रोडक्ट्स मिल सकती है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको राजा बाजार, मोती बाजार वगैरह से मिल सकती है, लाहौर में आपको जौहर टाउन से मिल सकती है, और कराची में आपको गुल प्लाजा और एक और है जगह है, गुल प्लाजा मेन है, वहां से आपको ये होलसेल सारी प्रोडक्ट्स वहां से मिलती है। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर भाई, स्टार्ट में सबका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होना चाहिए यार। सप्लायर की लिस्ट ना मैं दे तो दूंगा, लेकिन कोई उसका फायदा आपको नहीं होगा। आपको अगर कोई प्रोडक्ट देखनी है ना, आपको कोई प्रोडक्ट मिल गई है, तो बेहतर ये है कि उसको फेसबुक पे सर्च करें। देखिए, ग्रुप्स है फेसबुक पे, दराज सेलर्स के नाम से कम्युनिटी है, दराज वायरल प्रोडक्ट्स, लाहौर सप्लायर्स, कराची सप्लायर्स, इस तरह के कीवर्ड्स आप फेसबुक पे सर्च करें और उन कीवर्ड्स पे देखें, वहां पे काफी सारे जो है वो ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स में देखें कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, जस्ट उसका नाम ग्रुप में पेस्ट करें, वो प्रोडक्ट आपके सामने, उसका सप्लायर आ जाएगा, तो फिर आप खुद डील करें। इस तरह अगर सप्लायर की लिस्ट में दूंगा, 50 बंदों की लिस्ट है, 50 बंदों से पूछ पूछ के आपको 10 दिन लग जाएंगे। बेहतर ये है कि फेसबुक पे ही सर्च करें सप्लायर को। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको सप्लायर चलो नहीं मिल रहा, आप उसी ग्रुप में जाके खुद प्रोडक्ट की तस्वीर लगाए कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो आपको कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा कि भाई अवेलेबल है। चेकआउट उर्दू में कैसे ऐड करें, हो जाता है, उर्दू भी साथ में लिखी जा सकती है, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। टिकटॉक भाई, ठीक है, टिकटॉक बिगेनर के लिए हमेशा टिकटॉक है। शालमी मार्केट है होलसेलर की। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन। भाई, टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन ने लोगों को बहुत थका दिया है। आप में से भी अगर कोई बंदा टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन की वजह से परेशान है,
या जो बंदे काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुने कि टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन आपको आएगा, जरूर आएगा। अभी तो हमारा टाइम हो चुका है, कल मैं जो टॉपिक क्लियर करूंगा प्रॉपर, सबसे पहला स्टार्ट जो लूंगा वो टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन के सोल्यूशन पे लूंगा कि अगर एक अकाउंट आपका सस्पेंड होता है तो दूसरा अकाउंट को किसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जब स्टार्ट करेंगे तो इनशाला अकाउंट सस्पेंशन से ही स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास वो एक्सेस नहीं है जिसके जरिए से मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूं और प्रॉपर समझा दूं, वो दूसरे लैपटॉप में है। तो अकाउंट सस्पेंशन इनशाला कल हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेरे से कांटेक्ट कैसे करें? yasirsharar.com पे जाए, वहां मेरे से कांटेक्ट करें। दराज पे फ्रेश फ्रूट ना सेल करे तो बेहतर है। सिंगल प्रोडक्ट वाइट लेवल स्टोर से स्टार्ट। होम एंड डेकोर निश बहुत जबरदस्त चीज है। टिकटॉक अकाउंट कहाँ से ले? कल मैं आपको टिकटॉक अकाउंट के लिए बंदा भी दे दूंगा। चले, क्या याद रखेंगे? जो आपको फ्री में अकाउंट देगा, सस्पेंड होगा तो नया अकाउंट देगा, और अगर अकाउंट में बैलेंस हुआ और सस्पेंड हुआ तो पुराना बैलेंस नए अकाउंट में डालेगा। ये बंदा मैं आपको दूंगा, लेकिन गारंटी कोई नहीं होगी भाई, गारंटी कोई नहीं होगी। हाँ, बंदा ट्रस्टेड है, बंदा ट्रस्टेड है, बल्कि यहाँ पे बैठा भी है। हाफिज साहब अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट करें। टिकटॉक बेस्ट है या एफबी? इनिशियली जो है वो टिकटॉक बेस्ट है। ई कॉमर्स के लिए कोई बैंक वगैरह नहीं चाहिए? बैंक की तो आपकी पेमेंट आनी है, वो किसी भी बैंक अकाउंट में आ सकती है। वुडन चीजें अच्छी बिकती है, बिल्कुल बिकती है। कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, होम हो गया, होम डेकोर हो गया, हेल्थ फिटनेस ब्यूटी हो गई है, साथ में किचन हो गया, ये चीजें जो है वो अच्छी बिकती है। भाई फ्री वाला चेकआउट फॉर्म, पेड वाला चेकआउट फॉर्म, वो सारी चीजें हो जाएगी। जो आपको मैं, बल्कि एक और चीज दिखाता हूँ, रुके 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 रुके, आप लोगों को मैं एक सरप्राइज दिखाता हूँ। आपको मैं डेमो दिखाता हूं, ठीक है? ये वेबसाइट देखे कैसी है। अच्छा, जो हमारी लॉन्चिंग हो रही है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, ठीक है, ये उसका पहला वो है। एक मिनट, ये कमेंट में रिमूव करो। अच्छा, जो हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो ये उसका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड इसका ऐसे होगा, सेम लाइक शॉपिफाई है, सारी चीजें ए टू जेड इसी तरह होगी जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। ये हमारे पास फीचर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास कलेक्शन है, ये अबाउट का पेज है, और ये हमारे पास फुटर है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। इसमें फिर अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स आएगी,
ये हमारे पास है रिव्यूज वाला सेक्शन, यहाँ पे रिव्यूज होंगे सारे, ये रिव्यूज आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट रिलेटेड सारी चीजें होगी जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा, मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा काउंटडाउन चलेगा, जो के ऑल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता हूं मैं। ये जस्ट डेमो वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारा काउंटडाउन चलेगा यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट है, और ये हमारा चेकआउट फॉर्म है। अब चेकआउट फॉर्म देखे कितना सिंपल है। यहाँ पे जो हमारा फुल नेम वगैरह है, ये हम अभी इसको अपडेट हो रही, ये उर्दू में हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे चेकआउट फॉर्म की सबसे बेस्ट चीज है वो ये चीज है, सेलेक्ट योर सिटी। आपको शॉपिफाई में अपनी सिटी का नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे पॉपअप आएगा रावलपिंडी रावलाकोट, आपको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और रावलपिंडी आएगा इसमें, तो आपको ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं प्लेस होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जब आपने यहाँ पे रावलपिंडी सेलेक्ट किया, ये कोरियर में भी ऑटोमेटिकली रावलपिंडी जो है वो आ जाएगा, और कोरियर में जब आप बुकिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जाके वहां पे बुक भी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इंतहाई सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, इंतहाई आसान प्रोसेस है। इस वेबसाइट में ये हमने चीजें जो ऐड की है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, जिस पे आपको पूरा के पूरा जो है वो ई कॉमर्स यहाँ पे खड़ा होगा। इसका बैकएंड मैं इंशाल्लाह कल ट्राई करूंगा, कि कल की क्लास में मैं इसको आपका बैकएंड भी दिखा दूं, कि बैकएंड पे इसको डील करना कितना आसान है। विद इन वन क्लिक कोरियर पे बुकिंग हो जाती है, आप अपनी सारी स्टेट्स वगैरह देख सकते हैं। ऑर्डर कस्टमर के लिए प्लेस करना बहुत ज्यादा ईजी है। ये इंस्टेंट चेकआउट फॉर्म यहाँ पे ओपन होता है, जिसको आप जल्दी से फिल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, लेकिन मसला ये है कि ये शॉपिफाई नहीं है। शॉपिफाई आपको तकरीबन 15,000 रुपये पर मंथ में पड़ता है, और ये सिर्फ आपको 2,000 रुपये पर मंथ में पड़ेगा। अच्छा, टूल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये फिलहाल सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो इनशाला इसको पब्लिक भी करेंगे, लेकिन देखेंगे अभी फिलहाल तो पब्लिक नहीं कर सकते। फिलहाल इसको हमने अपनी कम्युनिटी के लिए चलाना है, तो आप अगर टूल की एक्सेस अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए तो जाहिर है आपको हमारा स्टूडेंट होना पड़ेगा। स्टूडेंट तो अभी भी है, लेकिन पेड स्टूडेंट होना पड़ेगा। तो ये टूल की प्रॉपर जो है वो आपको दिखानी थी, और इसका बैकएंड भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करें, तो फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। भाई रिकॉर्डिंग नहीं है, प्लीज। टूल लाइव है अभी, जो हमारी 20-22 तारीख को जो बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें इंशाल्लाह इस टूल को प्रॉपर लॉन्च करेंगे। टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन का कल बताऊंगा। एक्सेल शीट लिंक yasirsharar.com पे अभी थोड़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक मिल जाएगी आपको। हाउ टू बिकम योर पेड स्टूडेंट, आपको बता दिया, yasirsharar.com पे जाए, मैं आपको अगेन लेके जाता हूँ। आप yasirsharar.com पे जाए, और वहां पे आप वो कर सकते हैं। ये yasirsharar.com पे जाए, नीचे आए तो आपको ये दो किस्म के कोर्सेज हमारे अभी लाइव है। 20th लास्ट डेट है, तो लिमिटेड सीट से इनकी, आप ये कोर्स के लिए यहाँ से बुक करें, और ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स है, यहाँ पे आप बैंक डिटेल जो है वो करें, आप पेमेंट ट्रांसफर करें, और ये अकाउंट है, इस अकाउंट पे आप स्क्रीनशॉट भेजे, तो आपकी पेमेंट जैसे ही वेरीफाई होगी तो आपकी सीट रिजर्व कर दी जाएगी, ठीक है। जो हमारा 101 फिजिकल है, उसके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे आपको ये है,
जो हमारा 101 है उसमें इस टाइम जो हमने चेंजेस की है वो चेंजेस ये की है कि जैसे ही आप इनरोलमेंट करेंगे तो आपके साथ एक शॉर्ट मीटिंग, जूम ब्रीफ मीटिंग जो है वो अरेंज की जाएगी, आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए मतलब मीट करते हैं क्राइटेरिया को, आपको हमें लगता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए ठीक है, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए इन कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको आपकी फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इस दफा स्ट्रिक हो चुका है। तो ये हमारी 101 फिजिकल फिजिकल हमारी क्लासेस इस्लामाबाद में होती है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं, एक महीने के लिए आते हैं, एक महीना यहाँ पे लगाते हैं और 15-20 दिन में उनका काम स्टार्ट हो जाता है और फिर नेक्स्ट ग्रो करते रहते हैं, महीना लगा के फिर अपनी तरफ चलते हैं। कल टिकटॉक अकाउंट सस्पेंशन से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीजें करेंगे। ये बहुत अच्छा कमेंट है भाई का। अपने स्टूडेंट को इस चीज का भी बताएं कि जो चीज सेल करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत बदनाम होता जा रहा है। एग्जैक्टली भाई, देखे आपने अगर 2-4 दिन काम करना है तो बिल्कुल ये काम करें, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो अच्छी चीजें सेल करेंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू होगी, मार्केट में आपका नाम बनेगा। अगर बेकार चीज सेल करेंगे तो भाईजान काम नहीं चलेगा। हाउ टू क्रिएट गुड लुकिंग प्रोफेशनल स्टोर। भाई आप जब हमारे टूल के लिए साइन अप करेंगे, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें हैं, जहाँ पे आपको बैनर अपलोड करना है, प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, उसके अलावा आपको अपने अबाउट अस का सेक्शन अपडेट करना है। ये चीजें जैसे ही आप अपडेट करेंगे और जैसे ही डन के बटन पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफेशनल स्टोर ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा। हमारा फिलहाल पाकिस्तान का कोर्स है, दुबई और यूएई का कोर्स भी इंशाल्लाह आ जाएगा, तो जब आएगा फिर आपको बताएंगे। लेकिन दुबई और यूएई का जो कोर्स है वो ऐसे हम आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते। आप पाकिस्तान में अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तभी आपको रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे टूल के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो आपको सीओडी कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट की जरूरत भी नहीं है, वो भी हमारी तरफ से आपको मिलेगा। लेकिन अगर बाहर से आप काम करेंगे शॉपिफाई वगैरह पे, तो जाहिर है फिर तो आपको चीजें अरेंज करनी होगी। कोरियर अकाउंट के लिए आपको अपने करीब कोई भी ऑफिस चले जाए, टीसीएस और लेपर्ड्स में किसी भी ऑफिस चले जाए, ब्लू एक्स चले जाए, तो वहां पे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, अकाउंट आपको बन जाएगा। सोर्सिंग का मैंने बता दिया आपको, सोर्सिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट जब आपको मिलती है तो उसको जाके आप फेसबुक पे उसके सप्लायर सर्च करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इस वजह से लिस्ट नहीं शेयर कर रहा सप्लायर्स की, क्योंकि होता है उसमें कुछ मसले मसाइल भी होते हैं ना, कभी कभार स्टूडेंट्स के साथ स्कैम वगैरह भी हो जाता है, इस वजह से मैं शेयर नहीं करता, अदरवाइज मैं ज़रूर शेयर करता। उसके लिए ये है कि मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। ये आप फेसबुक है, आपने अगर हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप भी ज्वाइन करें। इसके अलावा दराज के कुछ ग्रुप्स हैं, देखिए दराज सेलर कम्युनिटी, ठीक है, ये वही लोग हैं जो दराज पे सेल करते हैं। अब यहाँ पे आपको काफी ग्रुप्स मिल जाएंगे, दराज प्रोडक्ट हंटिंग, दराज सेलिंग, इसको अगर आप जाके ना इस ग्रुप में जाए और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट इस ग्रुप का, जो ये तो ओवरऑल सर्च बार है ना, ओवरऑल में ना जाए, ग्रुप का सर्च बार ये है, यहाँ पे आप लिखे कोई भी चीज जो आपको चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए जी किचन शावर चाहिए, किचन शावर पे सर्च किया है। अब आपको कैसा शावर चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। देखें नीड किचन स्केल एंड होलसेल, ठीक है, इसको होलसेल में किचन स्केल चाहिए, ये 8 बंदों ने कमेंट किया हुआ है, क्या कह रहे हैं, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह आपको सोर्सिंग मिलती है, इस तरह आप, हाँ अगर आपने फिजिकल करनी है तो जाहिर है फिर आप जाए शालम मार्केट में जाए, वहां पे आपको सोर्सिंग इसकी मिल जाएगी। मैं सिर्फ किचन शेयर करता हूँ, देखते कौन सी प्रोडक्ट्स आती है। एक और चीज चॉपर, अब फॉर एग्जाम्पल ये चॉपर है, ठीक है, इसको ये क्या कह रहे हैं, मिनी गार्लिक अवेलेबल इन होलसेल, ठीक है, इसके पास है, इसके पास भी है। अच्छा ये बंदा ढूंढ रहा है, ठीक है, कि किसी के पास अगर चॉपर है तो मुझे बताएं। 38 कमेंट्स आए हुए हैं, इसमें से मोस्टली यही होंगे अवेलेबल, ठीक है, कितने पीसेस चाहिए अवेलेबल। तो इस तरह जाके आपको सप्लायर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको फिजिकल सप्लायर्स चाहिए तो जाहिर है उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा शालम मार्केट लाहौर में, गुल प्लाजा और बोल्टन मार्केट कराची में, कारखानों मार्केट पिशावर में, और राजा बाजार रावलपिंडी में। ये 4 बड़ी मार्केटें हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ अलबत्ता मैं इतना कर सकता हूं कि घंटे के लिए ये वीडियो मेरी वॉल पे पड़ी होगी, चले क्या याद रखेंगे। इंटरनेशनल ना करे भाई, पाकिस्तान में तो करे फिलहाल। भैया गुस्से हो गए कि कितनी देर से कमेंट कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं हो रही आपका कमेंट नहीं नजर आया। देखिए टिकटॉक अकाउंट, एजेंसी अकाउंट आप जहां से मर्जी बनवा ले, अगर एजेंसी अकाउंट नहीं होगा तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। जहां से मर्जी अमेरिका से बनवा ले, लेकिन अगर एजेंसी अकाउंट ना हुआ तो नहीं चलेगा। हैंडमेड बेबीज आइटम्स, ठीक है, भाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया कि ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड ही नहीं करता, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं रिकमेंड करता पाकिस्तान में। अहमद कुरैशी नहीं है, अभी अभी खत्म कर दिए। मीटअप कब है, मीटअप कल है, इतवार को है लाहौर में, और इस्लामाबाद का आपको बता देंगे। अच्छा अभी आप बताएं कि किसी को कोई फायदा हो रहा है, किसी को कोई मोटिवेशन मिल रही है, या किसी को कोई डायरेक्शन मिल रही है, कि हम वैसे ही 3-4 दिन से दिमाग खपा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स के चार्जेस yasirsharar.com पे अवेलेबल है भाई, जाए yasirsharar.com पे, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बताए यार कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं, कोई मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं।
गुड हो गया, गुड हो गया, चले गुड हो गया कि आपको मोटिवेशन मिल रही है भाई। दो चार बंदे भी काम स्टार्ट करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। काम करे, बहुत ज्यादा आसान काम है। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप पानी में कदम रखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं वैसे ही डर रहा था। तो बेहतर ये होगा कि बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम ले ले, नफा नुकसान अल्लाह देने वाला है, बेहतर से बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। यार एक काम करें ना, अपनी सिटीज तो बता दे कौन कहाँ से है, ताकि उस हिसाब से मीटअप अरेंज करें उन सिटीज में। ये जितने बंदे बैठे हुए जरा कमेंट करके अपनी सिटी बताएं कि कौन कहाँ से है। गुजरावाले से ज्यादा बंदे हैं यार, गुजरावाले में भी एक मीटअप होना चाहिए। लेकिन गुजरावाला तो लाहौर के करीब है ना, आप जरा हिम्मत करके आए ना लाहौर, परसों है। अटक से भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कुटीग्राम से भी आ रहे हैं। इस्लामाबाद के ज्यादा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के, कराची के ज्यादा है, लाहौर के ज्यादा है, उसके बाद गुजरावाला के ज्यादा है, पिशावर के भी। पिशावर के लोग बहुत पीछे है यार, पता नहीं अब लोग कब तरक्की करोगे। पिशावर में ई कॉमर्स होनी चाहिए, पिशावर के लोग ज्यादा है, ज्यादा नहीं है मतलब, ज्यादा होने चाहिए। अगला फैसलाबाद भी बहुत है भाई, फैसलाबाद तो जबरदस्त। फैसलाबाद तो हमारा मीटअप भी हुआ था, फैसलाबाद बहुत अच्छी जगह है। वजीरिस्तान तो नहीं हो सकता भाई, वजीरिस्तान वालों से माजरत। कोयटा से भी काफी बंदे हैं, सवाबी भी है, और सक्कर, हाँ सक्कर से भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ गुजरात ठीक हो गया, गुजरात, अफगानिस्तान। GHQ। यार ओकाड़ा, जी भाई मैं पठान हूँ। फेसबुक मोनेटाइजेशन छोड़ दिया भाई, जो चीज छोड़ दी है तो बस छोड़ दी है, खत्म, टाटा बाय बाय। वजीरिस्तान, वजीरिस्तान, थैंक यू भाई, थैंक यू।
यार सोर्सिंग का मैंने आपको बता दिया ना, आपको मार्केट एक दफा विजिट तो करना पड़ेगा। देखिए चार बड़ी मार्केटें हैं, चारों में से जोन सी आपके करीब है तो वहां पे विजिट करें। ताजिकिस्तान से कौन आ गया? आई एम साइंसेज आ जाए भाई। आई एम साइंसेज वाले इवेंट के दिन जो है मैं लाहौर में मीटअप है तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप ये ले जी। एम साइंसेस तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपसे मुलाकात हो सकती है। यहाँ से आप PNCA इस्लामाबाद 20 दिसंबर 2023, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी। डिटेल्स क्या है? वेन्यू PNCA इस्लामाबाद 9:30 से 1 बजे तक है, ठीक है, 20 दिसंबर को है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ये लोकेशन का जो है वो, बल्कि ये मैं अपनी वॉल पे लगा दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले जिन लोगों को मुलाकात करनी है तो उनसे 20 तारीख को मुलाकात होगी PNCA। चले भाई, अब उम्मीद करता हूं कि अगला लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा, उसमें जो है वो पूरे नचोड़ निकालेंगे, हम खुलासा भी बयान करेंगे और जो जो चीजें रह गई है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। पूरा लेक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है वो कल हो जाए, हो सकता है वो परसों हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कल करवा के बस उसको बिल्कुल वाइंड अप कर दूं, ठीक है। कल लाहौर की तरफ सफर है मेरा, तो अगर मैं जल्दी पहुंचा तो इंशाल्लाह लेक्चर हो जाएगा। तो चले कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह मोटिवेटेड रहिएगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको आ जाएगा और कुछ ना कुछ आपका काम चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।